हाँ जी दोस्तों, और क्या हाल है सबके। आज हम लोग गए थे भूतनाथ, तो उसी का मैंने एक शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग रिकॉर्ड किया है। तो चलिए इस ब्लॉग को देख के आते हैं कैसा है। और ब्लॉग देखने से पहले आप लोग को बहुत सारा शुक्रिया हमारे चैनल पे 400 सब्सक्राइबर करने के लिए। जाइए जाके ब्लॉग को देख के आइए, उसके बाद ही बात करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पूरा मूर्ति रखा हुआ है काली माँ का, तो ये सब काली पूजा का तैयारी हो रहा है। मतलब यहाँ पे मूर्ति बनता है, उसके बाद यहीं से सब बिकता है, इसलिए यहाँ पे इतना सारा रखा हुआ है। सो गाइस, हम लोग मंदिर में एंटर कर चुके, मतलब मंदिर में एंटर नहीं किया, मंदिर के बाहर है। यहाँ पे आप लोग सामान खरीद सकते हैं, मतलब कपूर या समथिंग वो सब खरीद सकते हैं बाहर, पूजा का सामान। और बस ये एक ही, बस ये दुकान नहीं है, पीछे आपको ये जो पूरा दिख रहा है ये पूरा दुकान ही है इस सब चीज़ का, आप खरीद सकते हैं यहाँ पर। पूरा दूर तक है यहाँ पर दुकान। सो गाइस, ये मंदिर के अंदर हम लोग एंटर कर लिए। आपको यहाँ पर पूरा मतलब दिख रहा होगा कि पूरा अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पे दर्शन हो रहा है एकदम। ये देखिए, ये भी एक बाहर में नंदी का पूजा हो रहा है यहाँ पे। और ये हम लोग एंटर कर रहे हैं अंदर के मंदिर में। सो गाइस, यहाँ से भी जुड़ा हुआ एक फैक्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे नंदी महाराज का मूर्ति है, तो उसके बारे में भी एक फैक्ट है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तब तक वीडियो में जुड़े रहिए। और ये हम लोग एकदम मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं। सामने आपको शिवलिंग दिख रहा होगा और शिव जी दिख रहे होंगे। शिवलिंग छोटा हो गया है तो इसलिए शिवलिंग ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको। ये देखिए, शिव जी दिख रहे होंगे। ये देखिए, तो गाइस बोला जाता है कि अगर आप इस नंदी महाराज को जो बोलेंगे तो वो मतलब आपका विश पूरा होता है। सो यहाँ पे सारे श्रद्धालु लोग अपने आरती कर रहे हैं एकदम मंदिर के गेट के सामने, ये वाला। तो गाइस इतना ही था आज का वीडियो के लिए, तो बस इतना ही तक रखते हैं इसको। तो कैसा लगा ये नया तरीका व्लॉग का, वो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही और वीडियो में या तो ट्रैवल व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर।